कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में नदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 8वें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मलान गौड़ा और NICE द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया है। कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निर्देशक अशोक खेनी हैं, जो विदर्भ दक्षिण के पूर्व विधायक हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए देवेगौड़ा को कंपनी को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। जनता दल प्रमुख ने NICE परियोजना पर निशाना साधा था और उसे लूट बताया था। अदालत ने कहा है कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है। वहीं अदालत ने 17 जून के अपने फैसले में कहा है कि कंपनी की परियोजना बड़ी है और कर्नाटक के हित में है। अदालत ने कहा है अगर भविष्य में इस तरह के अपमानजनक बयान देने की अनुमति दी जाती है तो निश्चित रूप से कर्नाटक राज्य के व्यापक जनहित वाली इस जैसी बड़ी योजना के क्रियान्वयन में देरी होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।